हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 7 एपिसोड्स में आप लोग देखे होंगे हम लोग कोलकाता से शिलांग पहुंचे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिसोर्ट में चेक इन किए। फिर सेम डे हम लोग पोस्ट लंच उमियम लेक भी एक्सप्लोर किए, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट डे हम लोग मॉलिनोंग विलेज, जो कि एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है, एक्सप्लोर किए। और उसके बाद हम लोग डॉकी भी एक्सप्लोर किए, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास वन ऑफ द इंडियाज क्लीनेस्ट रिवर है। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग एलिफेंट फॉल्स घूम के खासी ट्रेडिशनल ड्रेस भी ट्राई किए। सेम डे हम लोग कोंगथोंग विलेज गए, जो कि विस्लिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। कोंगथोंग घूमने के बाद हम लोग पोस्ट लंच गार्डन ऑफ केव्स में गए, फिर चेरापूंजी की ओर निकल पड़े। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस में जा रहे हैं, जिसका नाम है लिविंग डबल डेकर रूट ब्रिज। होप आप लोग मेघालय सीरीज का ये लास्ट एपिसोड एंजॉय करेंगे। आप सर नीचे देख पा रहे हो ब्लू वाटर, पर मैं निकूंगा नहीं। मुझे सही में सही बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। Where is the bridge, guys? अरे रे बाबा, अरे मेरे को नहीं बाबा, ये सीढ़ी को उठा ले। हम लोग खड़े हैं डबल डेकर ब्रिज पे। ऊपर एक ब्रिज है और नीचे एक ब्रिज है। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं खड़ा हूँ टेरेस पे, जो जहाँ पे हम लोग रुके थे, चेरापूंजी हॉलीडे रिसोर्ट के टेरेस पे। आप मेरे पीछे देखिए सुंदर सा व्यू। कल जब हम लोग पहुँचे थे सनसेट के टाइम पे, वो तो एक अलग ही स्पेक्टेकुलर सीन था। आज देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पीछे का जो है ये, आपको चारों तरफ ये हिल और वैलीज दिख रही होगी। तो ये है यहाँ की व्यू। ये है, आप इन लोग के जो टेरेस है, रूफ टॉप है, वहाँ से बैठ के आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक दो कुछ चेयर टेबल्स भी लगे हुए हैं। अभी कुछ देर बाद ही इन लोग का ब्रेकफास्ट सर्व होने वाला है, तो आप यहाँ पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट सर्व ले सकते हैं और ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग तो आज ब्रेकफास्ट अपना पैक करवा लिए हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग को यहाँ से अभी निकलना है। आज हम लोग का प्लान है डबल डेकर ब्रिज जाने का, तो हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे। ब्रेकफास्ट हम लोग ऑन द वे ही करेंगे। तो चलिए आज का जर्नी शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसा चलता है। जा रहे हैं डबल डेकर ब्रिज और ये है एंट्री यहाँ की। वहाँ से एक स्टिक लेंगे, अभी बोल रहे हैं कि स्टिक लेके जाइए, वो बेटर रहेगा। तो चलते हैं, चल के देखते हैं कितना चैलेंजिंग है। ये शॉप्स में आप लोग ब्रेकफास्ट ये सब कर सकते हो, बट अभी फिलहाल खुला नहीं है। अभी मॉर्निंग का 7:45 बज रहा है, तो शायद थोड़ा लेट से ये ओपन हो जाएगी शॉप। बोल रहे कि रेनी डेज में आप चलते चलते यहाँ से काफी सारे फॉल्स आपको दिखती है। यहाँ पे बाथरूम एंड टॉयलेट है, आप पैसा दे के यूज कर सकते हो। जस्ट प्रोबेबली आधे एक किलोमीटर के अंदर ही है फ्रॉम द पार्किंग। सो बेसिकली 250 इयर्स पहले ये डबल डेकर ब्रिज जो है वो बना था, बट अभी भैया बता रहे कि 20 इयर्स पहले ही ये डिस्कवर हुआ है डबल डेकर ब्रिज।
और 10 साल पहले ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं जो सीमेंट से बनी है, ऐसा सीढ़ी यहाँ पे नहीं होता था, ये पूरा पत्थर से स्टेप्स बना हुआ था, तो वो आपको क्लाइंब करके नीचे आना पड़ता था या ऊपर जाना पड़ता था। हम लोग बहुत जोश में भैया को पूछ रहे कि अभी तक कितना स्टेप्स लिए हैं हम लोग, तो भैया बोल रहे कि सिर्फ 300 स्टेप्स हुआ है जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग किए। तेजपत्ता का ट्री है, तेजपत्ता हम लोग खाने में कुकिंग में जो यूज़ करते हैं, तो ये तेजपत्ता अभी तक कच्चा है, तो इसको तो पेड़ से निकाल के सूखा के फिर हम लोग कुकिंग में इसको यूज़ करते हैं। अभी तक तो रास्ता बहुत अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ अच्छा खासा स्टेयर्स बना हुआ है, मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जबकि मेरे लेफ्ट लेग में आपको लोगों को पता ही होगा मेरे लेफ्ट लेग को इसी टाइम ऑपरेशन हुआ था। तो ये जो हम लोग पहुंच गए एक जगह पे, अभी भी बहुत स्टेयर्स है, अभी मुझे जो टेंशन हो रही है कि वापस आते वक्त कैसे आएंगे, इतना सारा स्टेयर्स, तो देखते हैं कैसा होता है क्या होता है, चलिए चलते हैं आगे। कितने स्टेप्स हुआ है अभी तक? How many steps? Till here. Till here. यहाँ से हम लोग आए नीचे अभी तक, तो आप लोग प्लीज कोई हंसिए मत, मैं भैया का हाथ पकड़ के चल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा हाइट फोबिया है, तो मैं जब थोड़ा सा ऊपर से देखती हूँ नीचे तो मुझे डर लगता है, तो इसीलिए मैं वो डर हटाने के लिए थोड़ा सपोर्ट ली हूँ। दिस इज आफ्टर यू क्लाइम डाउन 1200 स्टेप्स फ्रॉम द पार्किंग। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 1000 स्टेप्स हम लोग क्रॉस कर लिए, 1200 हो गया ना? हाँ, ऑलमोस्ट 1000 to 1200 हम लोग का स्टेप्स हो गया है, तो अभी कोई से पसीना आने लग रहा है, वो नीचे उतर रहा है फिर भी उसको पसीना आ रहा है। तो भैया अभी मुझे बताए कि हम लोग को जाना है उस तरफ, वो किस आपको तरफ? जो घर दिख रहा है, घर सब दिख रहा है उधर पे, उधर से वो अंदर पे जाना है, उस तरफ जाना है हम लोग को। थैंक यू भैया, थैंक यू। अभी यहाँ पे रेलिंग है साइड पे, जितना हम लोग उतरते जा रहे हैं उतना व्यू और अच्छा होते जा रहा है। अभी भैया बता रहे थे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाला जो है ट्री, ये पाइनएप्पल का ट्री है। हम लोग ऊपर से आ रहे और जाएंगे और डीप, देखिए बट व्यू देखिए, वाओ। वाह, पूरा गूंज रहा है आवाज, इको हो रहा है। कहाँ से आया देखिए भाई, आपके नाम क्या है? तो डोबरेज। आपके नाम? लुंग। लुंग भैया के नाम है लुंग भैया, हम लोगों को लेके आए 2000 स्टेप्स नीचे। 2000 स्टेप्स नीचे आपको एक प्लेन लैंड मिलेगा जो कि एक गांव है, उसका नाम है नोंगथियाम माई तिरना। तो यहाँ से इधर से जाएंगे हम लोग, हम लोग का लेफ्ट लेंगे तो ये 1500 स्टेप्स के बाद हम लोग को डबल डेकर ब्रिज आ जाएगा, तो टोटल 3500। हाँ, और इधर से जाएंगे तो सो सिंगल डेकर ब्रिज जा रही है। इस तरफ है सिंगल डेकर, इस तरफ है डबल डेकर। तो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे ये विलेज में और ब्रेकफास्ट करेंगे, तो ये स्टार्ट कर दिए ब्रेकफास्ट, ये चीज सैंडविच है, बॉइल्ड एग और दो ऑरेंजेस है। हम लोगों ने सिंगल ब्रिज नहीं गया अभी, आते वक्त देखेंगे, अगर परमिट करता है अपना स्टैमिना तो जाएंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये जो ट्रेक है डबल डेकर तक, ये थोड़ा सा मॉडर्न चैलेंजिंग ट्रेक है, तो यहाँ पे बहुत कोई है जो नीचे उतरते वक्त तो आप बहुत अच्छे से उतर जाएंगे, बट आते वक्त जो ऊपर आते वक्त वो बहुत ही स्टीप हो जाता है स्लोप, कोई कोई के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, तो उस टाइम में अगर कोई गिव अप कर दे ना जा पाए ऐसे कोई सिचुएशन में, ये लोग के पास ये स्ट्रेचर टाइप का रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये स्ट्रेचर टाइप का बना हुआ है, इसमें
वो आदमी को बैठा के ऊपर तक वो लोग पहुंचा देते हैं। दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीस। वो यहाँ पे जो भी विलेजर्स है वो आपको इसमें बैठा के या इसमें सुला के आपको ऊपर तक लेके पहुंचा देंगे। कॉफी बीन दिख रहा है, वो है कॉफी ट्री। ये जो ट्री है ये आप देख पा रहे हैं, उसका जो पत्ता है, आप पत्ता थोड़ा नोटिस करोगे तो ये पत्ता एक पत्ते के साथ और एक पत्ता जुड़ा हुआ है। सो ये ट्री को हम लोग काफी लाइम ट्री बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी लाइम जो कि बहुत ही फेमस है, वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट इन थाई क्विजिन। सो थाईलैंड वाला जो भी डिश है उनमें ये काफ़ी लाइम और काफ़ी लाइम का लेमन का जेस्ट या काफ़ी लाइम लेमन ट्री जो ये पत्ता है वो डेफिनेटली होता है। एंड दिस स्मेल्स वंडरफुल। मुझे लगता था कि सिर्फ थाईलैंड में ही शायद ये काफ़ी लाइम मिलती होगी, बट नहीं, हम लोग इंडिया में भी मिलती है ये। तेज पत्ते का पेड़ पहुँच गए फर्स्ट आयरन सस्पेंशन ब्रिज। भैया बता रहे 2,300 स्टेप्स है पार्किंग से ये ब्रिज तक। तो ये ब्रिज जो है अभी क्लोज्ड है, आप देख पा रहे हो, इस ब्रिज से हम लोग नहीं जा पाएंगे। शायद जून जुलाई में ये ओपन होता है नीचे जब पानी बढ़ जाता है। ये रास्ता जो पीछे से जा रहा है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। बहुत प्यारा नीचे का नज़ारा है। हम लोग इधर से आए, अभी बीच रास्ते में है मगर इधर से हम लोग आए हैं। ये है ऊपर से ब्रिज जा रही है और नीचे देखिए ये है रास्ता। नदी का नाम है या बता रहे सिंथुम रिवर। हम लोग है नदी के बीच में। तो बेसिकली ये वाला जो प्लेस है जून जुलाई के मंथ में ये सारा पत्थर पूरा ढक जाता है और पूरा भर जाता है पानी से एकदम। और ऊपर से वो वाला जो अभी जो ब्रिज हम लोग जो क्रॉस नहीं कर पाए, ये सस्पेंशन वाला ब्रिज है, ये क्रॉस करके आपको उस तरफ जाना पड़ता है। अभी पानी एकदम भी नहीं है तो इसलिए हम लोग नदी के बीच से ऐसे क्रॉस करते हैं। यहाँ पे कितने सारे बटरफ्लाई है देखिए, बटरफ्लाईज। वाओ, ये येलो वाला बटरफ्लाईज कितना प्यारा है। इधर वाटर देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एकदम पूरा दिख रहा है साफ पानी के अंदर। वो वहाँ पे फिश है, फिश, इतनी सारी फिश है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हम लोग बहुत सारे व्लॉग इसके ऊपर देख के आए थे डबल डेकर ब्रिज के ऊपर, तो वो सभी लोग ऊपर से जा रहे थे। सो वी नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा एक कोई सरप्राइज मिलेगा कि जहाँ पे हम लोग ऊपर से नहीं जा पाएंगे, हम लोग को ये रिवर के अंदर से जाना पड़ेगा। दिस इज़ ऑसम एक्सपीरियंस। अभी का हालत देखिए, 2,300 या 400 स्टेप्स हम लोग आ गए हैं अभी। अभी और भी थोड़ा स्टेप्स जाना बाकी है, सो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 स्टेप्स और भी बाकी है। भैया बोले भी 1,200 स्टेप्स बाकी है। 1,200 स्टेप्स बाकी है, अभी बज रहा है 10:15। तो चलते हैं, एक्साइटिंग जर्नी। चलिए, हम लोग जिस रिसोर्ट में रुके हुए थे वहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था, वेयर देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। हम लोग पहुँच गए, हम लोग दूसरी तरफ पहुँच गए और दूसरी तरफ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना है। ये ब्लैक पेपर का ट्री है, ये छोटा छोटा सा ब्लैक पेपर होके रखा है। अच्छा वाला जो ब्लैक पेपर है ग्रीन वाला, वो थाईलैंड के लोग भी खाते हैं। मैं एक बार थाईलैंड पे वो लोग के नूडल, एक नूडल खाई थी तो उसमें कच्चा वाला ग्रीन वाला ब्लैक पेपर डाला हुआ था, एंड इट वाज सो ऑसम टेस्टी फूड। नीचे देखिए, नीचे एकदम ब्लू वाटर दिख रहा होगा आपको। ये सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करके उधर जाएंगे और उधर से फिर 700 स्टेप्स है टू रोड ब्रिज। ब्रिज हिल रहा है। नीचे एकदम ब्लू वाटर है, ये शायद मोस्ट डिफिकल्ट है ऑफ द जर्नी। ये इतना हिल रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं देखूंगा नहीं नीचे। वेयर इज द ब्रिज गाइज, अभी और 500 स्टेप्स जाना है। दिस इज ऑसम एक्सपीरियंस बट बहुत ज़्यादा अभी टायर्ड लग रहा है। ये ट्रेलर है, हम लोग जब वापस जाएंगे उस टाइम के लिए। अभी और 400 स्टेप बचा है, स्ट्रेचर लेके ऊपर जाएंगे। कैरी कैरी कैरी। ये और एक रूट ब्रिज है,
इसको क्रॉस करके हम लोग चलेंगे डबल रूट ब्रिज। सो ये जापानी से बोल रही हूँ मैं, फाइनली पहुँच चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से अभी ये पूरा स्टेप्स लेके उस तरफ जाना है, वहीं पे है डबल डेकर ब्रिज। मालिनी ऊपर चली गई, एक्स्ट्रा स्टेप्स क्लाइम कर चुकी है। सोची थी ऊपर है रेनबो ब्रिज, सॉरी डबल डेकर ब्रिज, आई थिंक 10 स्टेप्स और ऊपर चढ़ गई, तो 3510। अरे बाबा, अरे मेरे को नहीं बाबा, ये सीढ़ी को उठा ले। 3 घंटा 20 मिनट लगा हम लोगों को यहाँ पहुँचने में। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग अगर गए हो तो यहाँ पे पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा। 50 पर हेड, चिल्ड्रन के लिए 20 रुपया, कैमरा 50, गोप्रो 100, वीडियो कैमरा 200, और शूटिंग फिल्म अगर करने चाहते हो तो 5000 रुपीज़। सो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा योर नेम। हम लोग पहुँच गए रूट ब्रिज, डबल रूट ब्रिज। हाँ, अभी देखना पड़ेगा लौटते वक्त कितना टाइम लगता है। अभी हम लोग खड़े हैं डबल डेकर ब्रिज पे, सेकंड मंजिल पे। ये ऊपर वाला ब्रिज है, रूट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो ये सारे रबर ट्री के रूट्स है और ये बनने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी साल लगता है। तो ऐसे करके ये रूट्स पूरा यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है कि ये ब्रिज टाइप का हो गया है। तो इसमें ऊपर से ये लोग कुछ वुडन जैसे बांस का पट्टा जैसे टाइप का जो होता है वो ये लोग डाल के रखा है, उसके ऊपर से आप चल सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं मैगी, अभी 12 बज रहा है ऑलमोस्ट। तो अभी जैसे 12 बज रहा है तो हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा सा वेट करके फिर हम लोग शायद 12:30 तक यहाँ से निकलेंगे। अभी ऑलमोस्ट बज रहा है 12:15, तो 12:30 अराउंड हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलेंगे फिर से 3500 स्टेप्स। जो रूट से आए थे वही रूट से वापस जाएंगे, बट चैलेंजिंग अभी यही है कि अभी हम लोग को क्लाइंब करना है। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है। हम लोग जो हिसाब करें शायद 4:00 तक पहुंच जाएंगे पार्किंग तक। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। ये सबसे डेंजरस वाला पार्ट था, मेरा पैर ऐसे हो जा रहा है, पूरा बैलेंस नहीं हो रहा है पैर में। अभी आपको लगा था हम लोग इतना तो फ्रेंड्स आ गए ऊपर, अल्टीमेटली पहुंच गए 3500 स्टेप्स डाउन, 3500 स्टेप्स अप, टोटल कितना हुआ 7000 स्टेप्स, टोटल 7000 स्टेप्स। आज का जो कार्डियो हुआ है और एक्सरसाइज हुआ है वो शायद कभी नहीं करते हैं घर पे, जिंदगी में पहली बार इतना कार्डियो और एक्सरसाइज हुआ है आज। Anyway, the view was awesome. बीच में मुझे एक जगह पे एक पॉइंट पे सीरियसली मुझे लगा था कि क्यों आए, इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी स्पेशली ऊपर आने के टाइम में, बट अभी लग रहा है कि नहीं ठीक था। वो थोड़ा सा मॉरल डाउन हो गया था उस टाइम जब सीरी देख रहे थे, तो लग रहा था कि क्यों आ गए, नहीं होता अच्छा होता नहीं आते तो रूट ब्रिज और कहीं पर देख लेते। If you are coming to Cherrapunji and if you haven't seen the root bridge, you should go and check that. But of course, हम लोग ने कोशिश किया है कि पूरा जर्नी कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई बोल रहे थे हम लोग को कि रेलिंग लगा हुआ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल है,
बट द एक्चुअल पॉइंट इज ऑलमोस्ट 1500 स्टेप के बाद आपको रेलिंग मिलती है. सो ऑलमोस्ट 1000 टू 1500 स्टेप के बाद आपको रेलिंग मिलती है. उससे पहले जो वो क्लाइंबिंग है या फिर अब डाउन जाने का रास्ता है वहाँ पर रेलिंग नहीं है. सो इन केस यू हैव हाइट फोबिया लाइक मी तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है ऊपर से. सो दैट्स व्हाई आई वाज टेकिंग माय गाइड हेल्प व्हाइल गोइंग डाउन. व्हाइल कमिंग बैक आल्सो आई टुक हेल्प. सो अगर आपको हाइट फोबिया है या फिर आपको इतना क्लाइंबिंग या फिर इतना एडवेंचर पसंद नहीं है सो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. इट कैन हैपन बट वो ऑल इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड आपका फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है. सो एनीवेज आज हम लोग तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठे चाय पियेंगे अभी और चाय पी के फिर हम लोग का आज चेरापूंजी से हम लोग निकलेंगे. हम लोग जाएंगे आज शिलोंग. तो हम लोग यहाँ पे शिलोंग में लेक रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं. वहीं पे हम लोग का अभी आज भी रूम है तो आज हम लोग वहीं पे रात को रुकने वाले हैं. और कल हम लोग की मेघालय की जर्नी ख़त्म होती है. तो इस बार का मेघालय का ट्रिप बहुत शॉर्ट एंड स्वीट था. तो हम लोग फिर से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करने आएंगे सम अदर टाइम. सो अंटिल देन स्टे ट्यून गाइज. आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ. स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड. Bye bye. I wanna get too close, gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. End of Meghalaya tour. We are going back. We plan for something. Don't forget to watch our videos. If you have not subscribed to our channel, please do. But they all disappear.